नमस्कार, स्टार स्टेल में आपका स्वागत है। 26 सितंबर 2020 को खेला जाने वाला 2020 मैच अबू धाबी में कोलकाता और हैदराबाद की टीम के बीच खेला जाएगा। हम बात करेंगे ज्योतिषीय आधार पर इस मैच के पूर्वानुमान की। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। जब ये मैच शुरू होगा तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली में मेष लग्न होगा। ग्रहों की स्थिति इस प्रकार होगी, लग्नेश मंगल वक्री होकर लग्न भाव में गोचर कर रहे होंगे, जबकि चंद्रमा शनि के साथ दशम भाव में गोचर कर रहे होंगे। केंद्र में शुक्र और बुध भी होंगे। ग्रहों की स्थिति दर्शाती है कि मैच को लेकर दर्शकों में भारी उत्साह रहने वाला है और दोनों ही टीमों के समर्थक अपनी अपनी टीमों की विजय के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। ये मैच इस श्रृंखला का 8वां मैच है। दोनों की नाम राशि के हिसाब से अगर ग्रहों के समर्थन को देखा जाए तो ग्रहों का समर्थन दोनों ही टीमों को बराबर मिलता दिख रहा है, लेकिन कप्तान और उनकी टीम के मुख्य खिलाड़ियों की ग्रह दशाओं का आकलन होना भी बहुत जरूरी है। यदि पहले मैं कोलकाता टीम के कप्तान की बात करूं, तो उनकी जन्मतिथि और अनुमानिक समय के हिसाब से ग्रहों का समर्थन आज उनके पक्ष में थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन यदि महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की बात की जाए तो उनकी ग्रह दशाएं आज उनका आत्मविश्वास बढ़ाती हुई दिख रही हैं। ये सभी खिलाड़ी अनुभवी हैं। अगर मैं दूसरी ओर हैदराबाद टीम की बात करूं, तो हैदराबाद टीम के कप्तान और उनकी जन्मतिथि के हिसाब से ग्रहों का समर्थन आज उनके पक्ष में दिख रहा है। जहां तक उनके साथी खिलाड़ियों की बात है तो उनकी ग्रह दशाएं भी आज काफ़ी मजबूत स्थिति में दिख रही हैं और ये मैच काफ़ी रोचक रहने वाला है। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी काफ़ी अच्छा प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। ऐसा भी कहा जा सकता है कि इस मैच में कुछ रिकॉर्ड बन सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुल मिलाकर ये मैच भी रोचक रहने वाला है और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन होगा। यदि ऐसा होता है तो आखिरी दौर में इस कड़े मुकाबले के बीच हैदराबाद की टीम जीत को अपने पक्ष में करने में कामयाब हो सकती है। तो ये था 26 सितंबर को खेले जाने वाले मैच का पूर्वानुमान। मैं एक नए मैच की भविष्यवाणी लेकर पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।